मैच स्टार्ट करें, अगर आपको आज का रूल के बारे में बता दे तो आज 20 मिनट में आपको मैच को कंप्लीट करना है। अगर आप देखो घड़ी में हम लोग टाइम देख रहे हैं, 10:15 हो रहा है, 10:35 तक जो भी ओनर और कप्तान है उनको सूचित किया जाता है कि 10:35 तक आपको कैसे भी मैच को एंड करना है। अनिकेत आप अपने टीम को लेके पीछे हो जाए, जो भी टीम के प्लेयर है वहां से पीछे हो जाए थोड़े, आपके वजह से फील्डर को तकलीफ ना हो। और मैच ऑन किए, मैच ऑन। मनीष मनीष पहली गेंद पावर प्ले की ओवर लेके आते हुए यहां पर सामना करेंगे अनिकेत, पहले दिन के स्टार बैट्समैन। पहली गेंद यहां पर अनिकेत के लिए हल्के हाथों से कट कर दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद। एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। टीम का श्री गणेशा होते हुए यहां पर नेक्स्ट मैच लूजो वर्सेस वसंत विहार हॉस्पिटल के बीच में खेला जाएगा। और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पे यहां पर सम्मान दिया यहां पर अनिकेत ने एक रन के लिए। और दूसरी बॉल के लिए तैयार होते हुए अनिकेत, और दूसरी बॉल का सामना करेंगे यहां पर शुभम। शुभम एक बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं, देखते हैं इस दूसरी गेंद पे यहां पर फिर से कट शॉट खेल दिया गया है। वहां पर शाम मौजूद, एक रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होते हुए तब तक बैकअप मिला और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर पे इजाफा गिरता हुआ, एक रनों के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 2 बॉल 2 रनों पे। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर किरण कंस्ट्रक्शन के रूप में, अच्छे गेंदबाज यहां पर मनीष। लूजो वर्सेस वसंत विहार हॉस्पिटल के रूप में अगली मैच के रूप में देखा जाएगा। तीसरी गेंद यहां पर फिर से सामना करेंगे अनिकेत, हल्के हाथों से फिर से खेलना चाहते थे पर इस बार ठीक से बैट पे आए नहीं, बैट का एज लगा और एक टप्पे के साथ में विकेट के यहां पर बॉल जाती हुई। तीसरी गेंद पे कोई भी रन नहीं, 3 बॉल 2 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर मनीष। पावर प्ले क्या पूरा अच्छा फायदा उठाते हुए यहां पर मनीष, चौथी गेंद मनीष की फिर से यहां पर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट और यहां पर बड़ी अपील और थर्ड अंपायर के रूप में जाते हुए यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उतनी अच्छी विकेट की गौरव ने जो इस टीम के कर्ता धरता है और थर्ड अंपायर के रूप में कॉल जाता हुआ। और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन है और बहुत ही बेहतरीन। और यहां पर थर्ड एम्पायर का इशारा नॉट आउट के रूप में, जो हमारे आप देख रहे हैं यहां पर यूट्यूब के माध्यम से जो रखा गया है इस टूर्नामेंट को, थर्ड एम्पायर एकदम बारीकी से देखा और नॉट आउट के रूप में जाता हुआ। फिर से गेंद यहां पर अनिकेत के, फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत ही कंजूस भरी ओवर डाल रहे हैं यहां पर मनीष, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसा ही टप्पा गिर रहा है वैसा ही एक काटा रूप बदल रहा है और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी।
पांच गेंदे और सिर्फ दो रन खर्च किए यहाँ पर मनीष ने। क्या कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। पांचवी गेंद फिर से अनिकेत के लिए, फिर से यहाँ पर कट कर दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं और बहुत ही कंजूस भरी, एकदम कंजूस भरी गेंदबाजी करके गए। सिर्फ तीन रन खर्च किए अपने पावर प्ले के ओवर में। देखो पावर प्ले का ओवर कैसा डाला जाता है वो यहाँ पर सिखाते हुए मनीष, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, एक क्वालिटी के गेंदबाज के रूप में चॉइस किए गए थे, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी की थी। पावर प्ले के ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किया है अजय कैमिस का। अगर स्कोर की बात करूँ तो सिर्फ तीन रन दोनों बैट्समैन को अनिकेत और शुभम को शांत रखा अपने इस ओवर में। दूसरी ओवर लेके आते हुए किरण कैमिस की तरफ से गौरव जायसवाल की अगर बात करूं तो एक बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन बैट्समैन है। दूसरी ओवर लेके आते हुए यहाँ पर गौरव सामना करेंगे अनिकेत, फिर से कट कर दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद। एक टप्पे के रूप में बॉल को कलेक्ट किया और थ्रो करते हुए एक रन। दूसरी ओवर की एक रनों के साथ में शुरुआत करते हुए यहाँ पर अनिकेत और स्ट्राइक पे इस समय शुभम। शुभम की अगर बात करूं तो गौरव के बहुत ही बेहतरीन मित्र है इस बार, मित्र क्या कुछ कर पाते हैं, या दोस्ती का साथ निभाते हैं या बैट के साथ में अपने टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ में लेके जाते हुए। अगर इस मैच की बात करूं तो चार ओवर की मैच है। दूसरी गेंद शुभम फिर से यहां पर कट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अपील को नकारा यहां पर एम्पायर ने और डॉट के रूप में साहिल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गौरव फिर से सामना करेंगे शुभम, यहां पर खेल दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद लोकेश के रूप में और बॉल हाथों से फिसलती हुई और बॉल को चौके के रूप में सम्मानित किया है हमारे संतोष जायसवाल जी। क्या गाना बनाए, बहुत ही बेहतरीन गाना, नलपड़ा गांधीनगर का, बहुत ही दमदार। और यहाँ पर फिर से लोकेश यादव बेहतरीन थ्रो और यहाँ पर दो रन चुरा लिया है। मैं इसके पहले बॉल पे लोकेश यादव की तारीफ कर रहा था, बहुत ही अच्छे फील्डर है, यहाँ पर चौका घोषित किया था पर खुद ब खुद उनको पता था कि सिक्स है, तो यहाँ पर छह रन घोषित करते हुए इस अगली गेंद पे दो रन चुरा लिया है, स्कोर जा पहुंचा है। चौथी गेंद यहां पर फिर से कट कर दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद और एक रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, वहां थोड़ी सी में फिर से यहां पर कट कर दिया गया है हल्के हाथों से।
एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। दो ओवर हो चुका है, तो जो भी 12वें खिलाड़ी है अजय केमिस के, वो लेके जाए वहां पर पानी, जल्द से जल्द पानी लेके जाए। आपको पता चल रहा है कि एक ओवर हो चुका है, दूसरे ओवर तैयार रहे पानी जाने के लिए, क्योंकि आज के दिन में फाइनल भी खिलाना है। अगर फाइनल आपको एक बेहतरीन फाइनल देखनी है, एक दमदार फाइनल देखनी है, तो थोड़ा मैच को फास्ट करना होगा। मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मैच स्टार्ट करें, मैच फास्ट करें। दोनों टीम को ये लास्ट कॉल है। किरण कंस्ट्रक्शन की तरफ से तीसरी ओवर लेके आते हुए साहिल, स्कोर के तरफ में ध्यान डाले तो स्कोर हो चुका है 14 रन, दो ओवर के समाप्ति पे 14 रन। साहिल सामना करेंगे अनिकेत के, पहली गेंद का पटकी हुई गेंद थी, दिशाहीन गेंद थी, और एम्पायर ने दोनों हाथ खोल के स्वीकारा कि ये वाइड गेंद है। एक रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के खाते में और स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पे। अगर किरण कंस्ट्रक्शन को आपको स्कोर पहली गेंद यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार अनिकेत के बैट पे ठीक से बॉल आती हुई नहीं और खामोश रखा है इस बार अनिकेत को साहिल ने। अगर अनिकेत की बात करूं, पहले ओवर से बड़े शॉट खेलना चाहते हैं पर पहले ओवर से ठीक से बैट पे बॉल नहीं आती हुई। फिर से दूसरी गेंद साहिल की अनिकेत के लिए, फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर फिर से इस बार बैट पे बॉल आती नहीं। ऐसा लगता है कि बैट को ग्रहण लग चुका है, ठीक से बैट पे बॉल आ नहीं रही है और खेलने नहीं देना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन। हेलो हेलो, फिर से यहां पर डिक्लेयर की तरफ में बॉल जाती हुई और हेम्पायर का इशारा 22 के रूप में 2 रन। स्कोर अगला मैच लूजो डिजाइन स्टूडियो वर्सेस वसंत विहार हॉस्पिटल का है। दोनों टीमों के कप्तान 5 मिनट के अंदर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। देखो, जो पहले दिन के अजय केमिस के स्टार बैट्समैन थे अनिकेत, वो आज एकदम खामोश। अगर उनकी बैटिंग की बात करूं, सिर्फ 6 गेंदों पे 3 रन, 9 गेंदों पे 3 रन, सॉरी, जो हमारे दो रन, सर 2 रन है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। देखो,
हेम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। तीन बॉल 17 रन, चौथी गेंद फिर से अनिकेत खेल दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद प्रशांत सर, देखते कैच, ओहो यहां पर कैच ड्रॉप हुआ और पूरा फायदा जाता हुआ बैटिंग टीम को, और जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ वैसे ही 2 रन चुरा लिया बैटिंग टीम ने और स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पे। 4 बॉल 19 रन अभी भी इस ओवर की। पांचवी गेंद फिर से अनिकेत, फुल टॉस बॉल थी यहां पर खेल दिया गया है, बॉल डिक्लेयर जोन की तरफ में दौड़ती हुई और यहां पर एम्पायर का इशारा डिक्लेयर 2 रन यहां पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर साहिल के द्वारा, 7 रन खर्च किए यहाँ पर सिर्फ 5 गेंदों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर किरण कंस्ट्रक्शन के तरफ से बॉलर की, साहिल की। छठवीं गेंद फिर से सामना करेंगे अनिकेत, क्या इस अनिकेत इस गेंदों पे फायदा ले पाएंगे अपनी। फिर से फुल टॉस गेंद खेल दिया गया है, फील्डर वहां लोकेश यादव मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो पर 2 रन चुराने से नहीं रोक पाए लोकेश यादव। 3 ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पे। इसके पहले की मैच बहुत ही तगड़ी मैच यहां पर कल्लू रोहित पासवान ने जो कैच पकड़ा था, आप YouTube के माध्यम से आप देख सकते हो, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो रोहित पासवान के रूप में आप देख सकते हैं YouTube माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था यहाँ पर रोहित पासवान ने। मैच स्टार्ट करें, देखो बॉलिंग टीम को हम लास्ट कॉल देते हैं, आपको सिर्फ 4 मिनट में ये 6 गेंदे डालने हैं, लास्ट 6 गेंद 4 मिनट में। लास्ट ओवर लेके आते हुए एक बेहतरीन ऑलराउंडर लोकेश यादव, कितने रन खर्च कर पाते हैं लोकेश यादव या कितने रन जुटा पाते हैं। शुभम और अनिकेत अगर दोनों की बात करूं तो अभी तक अजय केमिस्ट का एक भी विकेट गया नहीं है और बहुत ही धीमी शुरुआत, सिर्फ 23 रन यहाँ पर हुए हैं। लास्ट का ओवर, बड़े शॉट के लिए जिस ओवर के लिए जाना जाता है वो ओवर। लोकेश यादव पहली बॉल सामना करेंगे शुभम, पहली गेंद पे ही बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से बॉल पे आई नहीं, मनीष वहां मौजूद फील्डर के रूप में, पर यहां पर 2 रन और 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अभी भी 5 गेंदे बची है और इस 5 गेंदों पे कितने बड़े हिट लगते हैं या शांत रख पाते हैं लोकेश यादव और हमारे साथी मित्र साथी कमेंटेटर जोगी सिंह हिंदी की बड़ी आवाज। और यहां पर दूसरी गेंद फिर से और एम्पायर के दोनों हाथ खुलते हुए स्वीकारा कि ये गेंद दिशाहीन गेंद थी और दिशाहीन गेंद के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बैटिंग के रूप में वाइड के रूप में। पटकी हुई गेंद थी, पटका हुआ शॉट, पुल शॉट खेलना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद और बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर गणेश के रूप में।
तो मैं सुना ही नहीं। ओहो, लास्ट बॉल को आते हुए यहाँ पर इनामी राशि, लोकेश यादव अगर विकेट लेते हैं तो संदीप विश्वकर्मा की तरफ से 201, गौतम की तरफ से 501 और बब्बा भी सिक्स मारते तो 501 भी यहाँ पर दोनों को इनामी राशि। चूंकि और चौका गया है तो मैं गौतम को पूछू चौका के लिए कुछ दे सकते हो आप? 100 फटाफट। अजय कैमिश आपको रिक्वेस्ट है कमेटी के तरफ से, कमेटी के तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फील्डिंग लगा ले। लीजन वॉलियर्स और तिलक टाइगर्स दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आपका टॉस उड़ाया जाएगा इस बॉल गिरने के बाद। अजय कैमिस आपको लास्ट कॉल है, आपको जल्द से जल्द फील्डिंग लगाना है और आपको भी 20 मिनट ही मिलेगा। अगर अजय कैमिस को इस मैच को जीतना है तो 35 रन रोकना है किरण कंट्रेक्शन को बनाने के लिए और इसके बाद का मैच चित्तलसर पोलिस स्टेशन। और हमारे मैं सभी टीम के ओनर अपने कप्तान को अनुरोध करता हूँ, जितने भी 10 ओनर है सबको आपको आना है और आपका मैच चित्तलसर मानपाड़ा पोलिस स्टेशन के रूप में खेला जाएगा। 10 के 10 कप्तान को आना है। दस के दस कप्तान, हमारे 10 कप्तान को अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आपका मैच लीजन वॉलियर्स वर्सेस तिलक टाइगर्स, 35 विन है किरण कंस्ट्रक्शन को। अगर इस मैच को बनना जीतना है, अगले मैच में बने रहना है। बैट्समैन फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग लगा ले। थर्टी फाइव रन बनाना कंपलसरी है यहाँ पर किरण कंस्ट्रक्शन को। अगर किरण कंस्ट्रक्शन को इस मैच में, इस टूर्ना मैच में बने रहना है, इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को जीतना है, अपने घर लेके जाना है, तो इस मैच को जीतना जरूरी है। और आप देख रहे हो नलपड़ा गांधीनगर चैंपियन लीग सीजन तीसरा, और सीजन तीसरा का तीसरा दिन मेगा फाइनल डे। आप देख रहे हो कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ में हमारे कर्ता धर्ता माननीय श्री संतोष जी जायसवाल, एक युवाओं को किरण का हेलो। नेक्स्ट लीग मैच है जो लीजन वॉरियर वर्सेस तिलक टाइगर,
टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाएं। लेजेंड वॉरियर्स वर्सेस तिलक टाइगर्स नेक्स्ट मैच है, उसके बाद चितरसल पुलिस स्टेशन से वर्सेस सभी टीम के कैप्टन के को खेलना है साथ में। पहली ओवर अजय केमिस के रूप में पहली ओवर लेके आते हुए बाला, एक बेहतरीन गेंदबाज जो नितिन गुलवी जो बिलोंग करते हैं कल्याण से, एक बेहतरीन गेंदबाज कल्याण के रूप में मैच को स्टार्ट करिए। आपको 20 मिनट मिलेगा अजय केमिस, आपको 20 मिनट मिलेगा इस चार ओवर को डालने के लिए। पहली ओवर सामना करेंगे गौरव, पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट खेल दिया गया, फील्डर वहां मौजूद और बड़ी विकेट, डीजे प्ले।
एक बेहतरीन गाना प्रोस देते हुए और पूरी किरण कंस्ट्रक्शन की पूरी उम्मीद पूरा करता धरता लोकेश यादव। क्या लोकेश यादव अपनी इस मैच को जिताते हैं कि रन होते हुए 12 रन एक ओवर के समाप्ति पे, एक ओवर 12 रन। अठारह गेंद 23 रन की दरकार। हर एक सिक्स पे अभी भी लोकेश यादव को हर एक सिक्स पे 201 रुपए की इनामी राशि उनके खासी मित्र आकाश चौहान के तरफ से। दूसरी ओवर लेके आते हुए अजय केमिस्ट की तरफ से अनिकेत मनीष गिरी, आपको भी मनीष आपको भी हर एक सिक्स पे 201 रुपए आकाश चौहान की तरफ से। पहली गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए, कट करना चाहते थे पर डॉट के रूप में सम्मानित करते हुए हेम्पायर के रूप में विकेट के रूप में बॉल जाती हुई और कोई रन नहीं। शांत रखा है पहली गेंद पे यहाँ पर अनिकेत ने और एक ओवर एक बॉल 12 रन। अभी भी 11 गेंद 23 रन की दरकार यहाँ पर 17 गेंदों पे। दूसरी गेंद फिर से अनिकेत ने कट करना चाहते थे और एम्पायर ने यहाँ पर दोनों हाथ तुल के एम्पायर से कोई भी वाद विवाद ना करे। देखो कप्तान खुद हो आप, एम्पायर एक उच्च लेवल के एम्पायर है, जाने माने एम्पायर है, ऐसे ही डिसीजन नहीं दे रहे हो, कुछ सोच समझ के बड़ी पढ़ाई करके आए यहाँ पर, तो एम्पायर से विरोध में ना जाए। व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के खाते में, स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे। फिर से अनिकेत सामना करेंगे और खेल दिया गया यहाँ पर, बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 200 रुपया यहाँ पर जुड़ते हुए और 101 गौरव जायसवाल की तरफ से, मतलब 302 रुपया जुड़ते हुए। तीसरी गेंद फिर से रिवर्स शॉट का यहां पर अटेंड, पर रिवर्स शॉट इस बार अटेंड नहीं हो पाया और डॉट के रूप में यहां पर। जब सीधे हाथों से घी निकल रहा है तो आप टेढ़ी उंगली करके घी निकालना चाहते हो तो ज्यादा घी आपके हाथों में आएगा नहीं, कुछ इस प्रकार का। थोड़ी सी यहां पर रनिंग में चूकते हुए अनिकेत और बहुत ही बेहतरीन के बल्लेबाजी करते हुए लोकेश यादव जो अपने खाते में अकाउंट नंबर में 201 रुपया ज्वाइंट किए हैं और मनीष जो 302 रुपया अपने अकाउंट में अभी तक। ये फिर से यहां पर कट कर दिया गया, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं और फील्डर वहां जब तक पहुंचते हुए तब तक दो रन और 3 रन। क्या रनिंग है दोनों बैट्समैन के रूप में, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए मनीष अपने टीम को धीरे धीरे 2 रन 1 रन और 6 रन इस रूप के तरफ से मैच को जीत की ओर लेके जाते हुए। चार बॉल 22 रन
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मनीष और लवकेश यादव। क्या लवकेश यादव और मनीष अपने टीम को जीत दिला पाते हैं या अनिकेत जो अभी तक महंगे साबित हुए हैं ये इस गेंद पे शांत रख पाते हैं। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट के रूप में बॉल जाती हुई। पांच बॉल, बाईस रन। तेरह गेंदे, तेरह रन की दरकार यहां पर जीत के लिए किरण केमिस्ट को। और यहां पर बड़ा शॉट फिर से खेलना चाहते थे, फिर से बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। किरण कंस्ट्रक्शन को दो गेंदों पे शांत रखा है, दो ओवर हो गए, आप जा सकते हो। डीजे गाना प्ले कर दे। जो गाना था दोस्ती के लिए गाना था और जो हमारे बीच बैठे एक इस एनजीपीएल के कर्ता धर्ता माननीय श्री संतोष जी जायसवाल, जो हमारे गांधीनगर नलपड़े की मैं अगर बात करूं तो 16 टीम होती है, वो इस टीम को एक हाथों में इकट्ठा करते हुए और जो बंटवारा किया है हर एक टीम में 15-15 प्लेयर, हर एक दोस्त, हम दोस्ती कह सकते हैं कि एक दोस्त एक टीम में गया है, एक दोस्त एक बॉलिंग कर रहा है तो बैटिंग कर रहा है, कुछ इसी प्रकार का आपको गाना आते हुए। पटकी गेंद थी, चमट शॉट खेला और वहां पर फील्डर मौजूद पर उसके सर के ऊपर से बॉल जाती हुई दो रनों के लिए डिक्लेयर जोन की तरफ में और दो रनों के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। और यहां पर दो ओवर एक बॉल, स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पे। फिर से यहां पर हल्के हाथों से हल्की सी एज लगी पर यहां पर विकेट ही पकड़ नहीं पाए इस बॉल को, बॉल फिर से जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ में पर इस बार बॉल थोड़ी रुकते हुए और दो रन से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मनीष। दो बॉल 26 रन। फिर से तीसरी गेंद सामना करेंगे मैक और आगे बढ़ के खेल दिया गया है फील्डर को चॉइस करते हुए और वहां पर कैच छूटी और कैच जैसी छूटी वैसी चौका और यहां पर छोड़ते हुए वैसा ही चौका गया, खुशी जताते हुए यहां पर किरण
कंट्रक्शन, रिवर्स का अटैक, फिर से बॉल बैट पे आई नहीं और डॉट के रूप में बॉल जाती हुई। देखो मैच दोनों की तरफ में झुकते हुए, 50% यहां पर तो 50% वहां पर। पांचवी गेंद का फिर से हल्के हाथों से ढकेल दिया है कारपेट के रूप में, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं। जब तक आदेश आते हुए और बॉल को आदेश के तरफ में फेंकते हुए, तब तक दो रन चुरा लिया यहां पर दोनों बैट्समैन ने। और बॉल होती हुई यहां पर 5 बॉल 32 रन, 7 गेंदे 3 रन की दरकार यहां पर किरण कंट्रक्शन को। और अगर 3 रन बचाने हैं अजय कैमिस को तो थोड़े बहुत बॉल को डॉट कराना जरूरी है। बड़ा शॉट यहां पर मैच के रूप में और फील्डर को चॉइस कर दिया गया है। और क्या क्या फील्डिंग है वहां पर आदेश यादव की, इनकी सबकी आती नहीं और इनकी जाती नहीं कुछ इस प्रकार का रूप में। और